हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे भी पुष्पा किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम और लहसुन आदि मिर्चा डाल करके कुलचा, जो कुलचा बहुत पसंद आएगी आपको। अब बहुत आसान तरीका से मैं बनाऊंगी और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, सालों साल आपको खराब हो नहीं होगी। जो मैं अचार लगाती हूँ तो कभी खराब नहीं होती है। आम करेले का अचार बना चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं। चलिए और आज मैं कुलचा भी बनाऊंगी, तो किस तरह से मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी। अगर जो आपका घर में सब्जी ना हो तो आप दाल चावल का साथ खाइए, बहुत काफ़ी टेस्टी आएगी। रोटी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए आज मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए कुलचा बनाने के लिए हम 2 KG आम लिए हुए हैं, इसे धो लिए हैं, साफ कर लिए अच्छी तरह से। अब इसको छील करके हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस पर हमको करनी है, तो हम छील लिए हैं। चलिए अब कद्दूकस हम करेंगे, कद्दूकस इस तरह से हम कर लेंगे। देखिए इस तरह से सब हम कर लेंगे। और कद्दूकस ये करके अच्छा लगता है कुलचा, और कुछ करके भी बनती है, लेकिन हम लोग कद्दूकस करते हैं तो इसको कुलचा बहुत अच्छी बनती है। और गुठली को हम फेंकेंगे नहीं, गुठली इसी में डाल देंगे जो मसाला का साथ रहेगी। चलिए इस तरह से सब हम कर लेंगे, देख सकते हैं इसी तरह से हमको कद्दूकस करनी है, सब कर लेंगे। सब कद्दूकस कर लिए हैं, तो इसका पानी हम इस तरह से, कोई आप कपड़ा में भी लेकर गार सकते हैं, चाहे ऐसे हाथ से भी आप गार सकते हैं। देखिए अच्छी से गर गई है, पानी रहने का सवाल ही नहीं है। देखिए सब हम कर लिए हैं, पानी गार लिए। अब इसको 2 घंटा के लिए हम धूपा में छोड़ देंगे। अरे गुठली हम फेंकेंगे नहीं, गुठली इसी में रहेगी। चलिए छत पर अब मैं रख दे रही हूँ। देखिए 2 घंटे हम छोड़े थे धूपा में, बहुत अच्छी सूख गई है, जरा से भी इसमें पानी नहीं है। जैसे हम डालने के लिए हम मिर्चा लिए हैं, 1/2 KG मिर्चा है, 1/2 KG लहसुन है, 250 ग्राम मिर्चा आदि है। अब तीनों को क्रश हम कर लेंगे, करके तब इसमें डालेंगे हम। तो चलिए मैं क्रश करती हूँ। पहले आधी को मैं छील लूँगी इस तरह से, लहसुन छील लिए हैं, आधी नहीं छीले हुए थे। सब क्रश कर लिए हैं, आधी लहसुन और मिर्चा, अब सब इसमें हम डाल देंगे। ये सब डाल दिए, सब मिला लेंगे अच्छे से। इसमें हल्दी लिए हैं 2 चम्मच, बड़ी चम्मच से। अब नमक डालेंगे, चार पाँच छ चम्मच से डाल दिए। इसमें अगर जो आप कम भी लगेगी अपना स्वाद अनुसार डालिएगा, ये तो खट्टा है, खट्टा में थोड़ा सा नमक थोड़ा ज़्यादा लगेगी, और तीखा भी है, चटपटा सब है। इसमें थोड़ी सी हम तेल भी डालेंगे। ये सब कुलचा हुआ। सौ ग्राम तेल डाले हैं, अचार हाथ से ही सानना चाहिए। देखिए गुठली हम फेंके नहीं, इसी में हम डाल दिए हैं। ये कुलचा बहुत अच्छी लगती है, आप लोग इसी तरह से बनाइएगा, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से फॉलो कीजिएगा, तब आपको पसंद आएगी। देखिए 2 KG आम हम लिए हुए थे, 2 KG में 1/2 KG मिर्चा, 1/2 KG लहसुन और 250 ग्राम आदि सब डाले हैं। इसी तरह से आप बनाइएगा, क्योंकि ये सब खट्टा में चटपटा ज़्यादा अच्छा लगता है तीखा, इसलिए हम सब इस तरह से डाले हैं।
आप अपना अनुसार जितना डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो अपना हिसाब से इतना डाली हूँ। मेरे अंदाज से आप बनाइएगा तो आपको बहुत पसंद आएगा। ऐसी तरह से बनाइएगा, खाइएगा तो आपको पसंद आएगा। चलिए अब मैं बोतल में अपना रख दूँ, जार में रख दे रही हूँ। धूपा में 2 दिन से 3 दिन हम रखेंगे कि अच्छी से धूपा लग जाएगी। इसमें अगर जो डब्बा में आपको नहीं पकेगी तो आप ये अपना कठौती में भी आप रख सकते हैं। इस तरह से धूपा में 2 दिन छोड़ दीजिएगा। ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं धूपा में, धूपा लग जाएगी तब अपना फिर तेल डालेंगे। तेल डाल करके तब मैं जार में रखूँगी। तो अभी मैं अपना रख दे रही हूँ, कल धूपा में फिर हम रख देंगे। देखिए हमारी अचार तैयार हो गई है। 2 दिन से 3 दिन या 4 दिन 5 दिन आप जितना दिन रख सकते हैं धूप में, आपकी अचार जितने रखिएगा उतनी अच्छी लगेगी। इसमें पानी ज़्यादा थोड़ा मात्रा में ज़्यादा है जो क्रश करके डाले हैं, और आप तब उसके बाद खाइएगा, बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।